तो दोस्तों आज हम बनाएंगे तिल गुड़ लड्डू, जो कि बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी बनने वाला है। तो दोस्तों इस तरीके से हम बनाएंगे तिल गुड़ लड्डू, जो कि बहुत ही परफेक्ट बनेगा। इसमें मैं आपको एक सीक्रेट बताऊंगी, जिससे कि आपका लड्डू बहुत ही खस्ता बनेगा और बहुत ही टेस्टी बनेगा। दोस्तों बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आपका लड्डू बनकर रेडी होगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, इस तरीके से मैं ये तिल के लड्डू बना रही हूँ। बिल्कुल परफेक्ट लड्डू बन रहा है और दोस्तों बहुत ही खस्ता ये लड्डू बनकर रेडी हुआ है। तो दोस्तों इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो दोस्तों चलिए तिल और गुड़ का लड्डू बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने 250 ग्राम तिल ले रखा है और 250 ग्राम यहाँ पर हमने गुड़ ले रखा है। और दोस्तों अब तिल को हम भून लेंगे। तिल को भूनना बेहद ज़रूरी है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने एक फ्राई पैन लिया और फ्राई पैन के अंदर हमने यहाँ पर डाल दिया तिल। तो दोस्तों यहाँ पर हमने सफ़ेद वाले तिल ले रखे हैं। आप इसके जगह काले वाले तिल का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, या फिर आप दोनों तिल को मिक्स करके भी तिल गुड़ लड्डू बना सकते हैं, जो कि ठंडी के मौसम में खाना सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। तो दोस्तों इस तरीके से हम तिल को भून लेंगे। जब तिल पॉप करने लग जाएगा तो तब तक हम भूनेंगे और इसमें अच्छी सी खुशबू आने लगेगी दोस्तों। तब पता चल जाएगा कि हमारा तिल अच्छे से भुन गया है। इसको भुनना बेहद ही ज़रूरी है और दोस्तों इसको ज़्यादा भी नहीं भुनेंगे, नहीं तो ये कड़वा लगने लगेगा। बस जितना हमें भुनना चाहिए उतना ही भुनेंगे, इससे ज़्यादा भुन देंगे तो तिल हमारा कड़वा लगने लगेगा। तो दोस्तों इस तरीके से लगातार हाथों को आपने मेहनत कराते हुए तिल को हम भून लेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं तिल का कलर चेंज होने लगा है और इस तरीके से हमारा तिल परफेक्ट भून गया है। तो दोस्तों तिल को मीडियम फ्लेम पर भुनना है और इसको भुनने में 4 से 5 मिनट लगेगा दोस्तों। तो यहाँ पर हमने तिल भून लिया और उसी फ्राई पैन में हमने 1 चम्मच घी ले डालना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये घी ठंडा है, क्योंकि दिल्ली में दोस्तों बहुत ज़्यादा ठंड है और घी एकदम जाम हो रखा है। इस तरीके से दोस्तों मैं छुड़ाने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन ये छूट नहीं रहा है। तो दोस्तों फाइनली घी हमारे चम्मच से छूट गया और इसको हम मेल्ट होने देते हैं। तो दोस्तों आप देख सकती हैं घी हमारा किस तरीके से मेल्ट होते जा रहा है। और यहाँ पर मैं ये पलटे से भी इसको फोड़ दे रही हूँ, यानी कि इसको चला दे रही हूँ ताकि जल्दी हमारा घी मेल्ट हो जाए। तो दोस्तों घी यहाँ पर मेल्ट हो गया और इसमें हम डाल देंगे गुड़ जो हमने ले रखा था। तो दोस्तों गुड़ को तोड़ लेंगे ताकि हमें ज़्यादा देर तक गलाना ना पड़े, बहुत जल्दी गुड़ हमारा पिघल जाएगा दोस्तों गलाने से। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा पानी भी यूज करेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा एक गुड़ किस तरीके से मेल्ट होना शुरू हो गया है, क्योंकि फ्राई पैन पहले से ही गर्म था। तो दोस्तों यहाँ पर हमने 3 बड़े चम्मच के करीब पानी डाला है। ज़्यादा पानी का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं करना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसको हम 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर पकाएंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हाई फ्लेम पर पकाने से किस तरीके से गुड़ में उबाल आने लगा है। तो दोस्तों अभी भी हमारा गुड़ जो और टुकड़े टुकड़े में है, इसको हम इस पलटे की सहायता से इसको दबाकर तोड़ देंगे ताकि हमारा गुड़ जो है एकदम स्मूथ हो जाए और इसकी चाशनी परफेक्ट बनकर रेडी हो। तो इस तरीके से हमें चलाते रहना है गुड़ की चाशनी बनाने के लिए। गुड़ को चलाना बेहद ही ज़रूरी है। जितने हम इसको और चलाते रहेंगे उतना ही हमारा तिल का जो लड्डू है उतना ही खस्ता बनकर रेडी होगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये हमारा गुड़ कितना अच्छे से इसमें उबाल आ रहा है और इसको हमें चेक भी करना है। तो चेक करने के लिए दोस्तों यहाँ पर हमने एक कटोरी ले रखा है और इसके अंदर हमने गुड़ को डाल दिया। अब कुछ क्षण तक रुक जाते हैं, उसके बाद देखते हैं कि परफेक्ट चाशनी बनकर रेडी हुई है या नहीं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो दोस्तों ये देख सकते हैं हमारे जो है गुड़ की चाशनी जो है अभी ये पतली है। तो अभी हम थोड़ा देर इसको और चलाएंगे अच्छे से और फिर दोबारा चेक करके आपको दिखाते हैं जब हमारी चाशनी जो है परफेक्ट हो जाएगी ये तिल का लड्डू बनाने के लिए। तो दोस्तों फिर से हमने यहाँ पर गुड़ चेक करने के लिए पानी के अंदर डाल दिया है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस तरीके से इसको हम चेक कर लेते हैं, देखते हैं कि हमारा परफेक्ट लड्डू बनाने के लिए चाशनी रेडी है कि नहीं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ऐसे ही बिल्कुल हमें चाशनी चाहिए। और अब यहाँ पर हम डाल देंगे दोस्तों इलायची पाउडर। तो दोस्तों इसको हमने ऐसे ही
कूट लिया था छिलके सहित। तो दोस्तों इलायची के बीच में जितना टेस्ट होता है उतना इसके छिलके में। तो दोस्तों सीक्रेट जो था ये है बेकिंग सोडा। तो दोस्तों बेकिंग सोडा डालने से तिल गुड़ का लड्डू बहुत ही खस्ता बनेगा। यही है वो सीक्रेट जो दोस्तों हलवाई डालते हैं खस्ता बनाने के लिए लड्डू को। तो दोस्तों आप चाहें तो डालें, अगर आप ना चाहें तो इसके बिना भी आपका तिल गुड़ लड्डू बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी बनने वाला है। तो दोस्तों इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से चलाते जाएंगे और मिल जाएगा जब हमारा तिल चाशनी के अंदर, तब इसको हम इकट्ठा कर लेंगे। और दोस्तों देख सकते हैं, आप चाहें तो गैस का फ्लेम बंद कर दें या फिर आप इसको एकदम लो फ्लेम पर करके इस तरीके से आप चलाते रहें हाथों को और तिल को। तो दोस्तों जल्दी जल्दी फटाफट हम इसको चला लेंगे, नहीं तो ये हमारा जो गुड़ की चाशनी है जो टाइट हो जाएगी, तो हमारा लड्डू जो है परफेक्ट इसका बनेगा नहीं। तो इसको चलाना और मिलाना बेहद ही ज़रूरी है। तो इस तरीके से हम मिला लेंगे क्योंकि दोस्तों दिल्ली में बहुत ज़्यादा ठंड है, तो इसको मैं लो फ्लेम करके मिला रही हूँ, नहीं तो गुड़ जो है हमारा बहुत ही जल्दी जो है सूख जाएगा। तो हम लो फ्लेम पर मिला रहे हैं। आपके यहाँ अगर थोड़ा सा मौसम अच्छा है तो आप गैस बंद करके भी इस तरीके से मिला सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस जो पलटे पर लगा हुआ है तिल, उसको हम चम्मच से छुड़ा लेंगे इस तरीके से ताकि हमारा एक भी तिल जो है वेस्ट ना जाए। दोस्तों आप देख सकते हैं ये हमारा परफेक्ट लड्डू बनाने के लिए तिल रेडी हो गया है। तो दोस्तों ये बहुत गर्म है, इसको हल्का सा हम ठंडा होने देंगे, या फिर आप ये भी कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा सा इस तरीके से पार्ट को अलग कर लें, और अगर थोड़ा थोड़ा सा इस तरीके से अलग कर लेंगे तो ये बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा और लड्डू बनाने में बहुत ही आसानी होगी। इस तरीके से आप कर सकते हैं जैसा मैं आपको दिखा रही हूँ वीडियो के अंदर। तो दोस्तों इस तरीके से भी आप लड्डू फटाफट बना सकते हैं, या फिर आप चाहें तो फिर थोड़ा सा ठंडा हो जाने दें, ज़्यादा ना ठंडा हो, अगर ज़्यादा ठंडा हो जाएगा तो ये टाइट हो जाएगा, फिर आपका लड्डू बनेगा भी नहीं। तो दोस्तों ये देख सकते हैं इस तरीके से आप किसी बर्तन में भी इस तरीके से छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके भी लड्डू को बना सकते हैं। तो दोस्तों ये देख सकते हैं अभी बहुत ज़्यादा ये हीट है, तो आप चेक कर लीजिए जितना आप सहन कर सके, जितना गरम उतना ही गरम ना गरम करके लड्डू बनाएं। तो दोस्तों इस तरीके से अगर हाथों से हिलाते रहेंगे, दोस्तों आपने देखा होगा हलवाई ऐसे करते हैं, तो दोस्तों हलवाई ऐसे इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें हवा लगती है तो गुड़ जो है लड्डू बहुत ही आसानी से ठंडा हो जाता है। तो दोस्तों एक यहाँ पर हमने बना लिया है और अब इस तरीके से हम सभी लड्डुओं को बना लेंगे, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना परफेक्ट और टेस्टी लड्डू हमारा बनकर रेडी हुआ है। तो दोस्तों इस तरीके से आपने देखा होगा हलवाई हिलाते हैं ताकि इसमें हवा लगे और आसानी से हमारा जो लड्डू है वो बनकर रेडी हो जाए। तो दोस्तों आप भी बनाइए अपने घर पर तिल गुड़ का लड्डू मकर संक्रांति पर, या आप ऐसे भी बना सकते हैं। तो दोस्तों हमारे यहाँ तो आज ही मकर संक्रांति थी, अगर आपके यहाँ कल है तो आप कल बनाएं या आज ही बना लें। तो दोस्तों कैसे लगे हमारे तिल गुड़ की लड्डू की वीडियो कमेंट में हमें ज़रूर बताना। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।